क्या चीन भारत से सौदेबाजी के लिए एलएसी में चोटियों पर कब्जे की फिराक में है? क्या लद्दाख में ड्रैगन ने घुसपैठ का पूरा प्लान जिनपिंग ने तैयार किया था? कैसे भारत के खिलाफ साजिश में उलझे इमरान के हाथ से पाकिस्तान फिसलता जा रहा है? पाकिस्तान और चीन की चालबाजियों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। भारत को आशंका है कि बातचीत में सौदेबाजी के लिए चीन एलएसी पर कुछ अहम रणनीतिक स्थानों पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। चीन के इस दोहरे रवैये को देखते हुए एलएसी पर सेना को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी, लेकिन सीमा पर चौकसी और तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के चर्चित स्तंभकार गार्डन ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गार्डन ने दावा किया है कि लद्दाख एलएसी में पीएलए की घुसपैठ की पूरी योजना शी जिनपिंग की थी। जिनपिंग के सीधे डायरेक्शन पर ही गलवान से लेकर पैंगोंग तक पीएलए ने घुसपैठ के लिए भारतीय जवानों से झड़प की। अब जिनपिंग फिर से किसी बड़ी योजना की तैयारी में जुटे हैं। 1962 युद्ध की बार बार याद दिलाकर जंग की गीदड़ भभकी देने वाला ग्लोबल टाइम्स 1967 को याद नहीं करना चाहता। 11 सितंबर 1967 को नाथुला में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के अतिक्रमण को नाकाम किया था। इस खूनी जंग में 340 चीनी सैनिकों को भारतीय शूरवीरों ने मार गिराया था। इस दिन को याद कर आज भी चीन कांप जाता है। चीन के टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डे का खुलासा हुआ है, जिसे चीन ने 50 साल से दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा था। चीन का ये परमाणु अड्डा शिनजियांग प्रांत के कोटो के में है। इसी जगह पर चीन पावर प्रोजेक्ट की आड़ में परमाणु और हाइड्रोजन बनाने पर काम कर रहा है। चीन का ये टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डा अब दुनिया के सामने उजागर हो गया है। भारत के खिलाफ साजिशों में उलझे इमरान खान के हाथ से पाकिस्तान निकलता जा रहा है। कराची में शिया विरोधी प्रदर्शन भड़क गया है। शिया समुदाय के लाखों लोग सड़क पर उतरे और शिया काफी हैं के बुलंद नारे लगाए। इस दौरान आतंकी संगठन सिपाह ए सहाबा के पोस्टर लहराए गए, जो शियाओं की हत्या के लिए कुख्यात है। पाकिस्तान में इसे लेकर कभी भी हिंसा भड़क सकती है। एक तरफ एलएसी पर भारत चीन में तनाव बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर भी पाकिस्तान चीन के उकसावे में लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिससे ये खुलासा हुआ है कि इंडियन आर्मी को उलझाने के लिए चीन की साजिश में पाकिस्तान साथ दे रहा है। यही वजह है कि एलओसी पर पाक ने गोलीबारी बढ़ा दी है। एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। एफएटीएफ के दो विधेयक पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन से खारिज हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एफएटीएफ की काली सूची में नाम जाने का खतरा और बढ़ गया है। अगले महीने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला होना है। इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे इमरान खान का सपना उस वक्त चकनाचूर हो गया जब यूएई के बाद बहरीन ने भी इसराइल के साथ शांति समझौता कर लिया। ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। एक एक कर इमरान के इस्लामिक एजेंडे वाले देश पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। इस समझौते से भारत के खिलाफ मंशा पाले इमरान को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर गलत बयानबाजी की है। इसके साथ ही कश्मीर पर भी अपना दुखड़ा रोया है। भारत ने भी तगड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का आईना दिखाया है।